को सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करना है। जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास था वो है सर्चिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो हम लोग दो तरह की सर्चिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, एक लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। अब देखिए सर्चिंग होता क्या है, वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो इसमें होगा क्या, हमारे पास एक एरे होगा, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें स्टोर्ड होंगे पहले से। हमें उस एरे में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में आपके सारे दोस्त आप इंक्लूडिंग बैठे हो, और मैं उस क्लास में आता हूँ और आपकी क्लास में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये कहलाएगा सर्चिंग। इसके दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर और बाइनरी। लीनियर सर्च को कभी कभी सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। अब देखो हम लोग डायरेक्टली लीनियर सर्च पे आ जाते हैं, डेफिनेशन वगैरह तो आप जानते ही हो। लीनियर सर्च, मान लो आपकी क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, 1 से 60 रोल नंबर तक, और वो एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। जो बच्चे बैठे हैं वो रैंडम ऑर्डर में बैठे हैं, इसका मतलब कोई भी ऑर्डर में नहीं है। ये नहीं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका जहाँ मन किया वो वहाँ बैठ गया। अब मुझे एक पर्टिकुलर रोल नंबर को सर्च करना है, जैसे मान लो मैं रोल नंबर 15 को सर्च करना चाहता हूँ। तो उस क्लासरूम में जब मैं 15 को सर्च करूंगा, तो लीनियर सर्च ये कहता है आप उस 15 को 1 बाय 1 सारे एलिमेंट से कंपेयर करो, और जब आपको वो 15 मिल जाएगा तो आपका रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब आपने फाइंड आउट कर लिया उसे। तो लीनियर सर्च क्या करेगा, मान लो कि पहले बेंच पे रोल नंबर 19 बैठा है, तो मैं उससे मैच करूंगा, क्या तुम्हारा रोल नंबर 15 है, वो बोलेगा नहीं। फिर मैं नेक्स्ट बेंच पे जाऊंगा, वहाँ पे कोई दूसरा रोल नंबर का बच्चा बैठा है, मैं उससे कंपेयर करूंगा। फिर मैं नेक्स्ट तीसरे बेंच पे जाऊंगा, वहाँ पे फिर से कंपेयर करूंगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा कब तक, जब तक कि मुझे रोल नंबर 15 नहीं मिल जाता। अब देखिए यहाँ हमें करना क्या है, कंपैरिजन करना है। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या लगाना होगा, इफ की कंडीशन। यानी लीनियर सर्च में जब हम प्रोग्राम उसका एल्गोरिदम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इफ स्टेटमेंट आएगा। तो हमें एक ब्रॉड अगर आइडिया देखा जाए तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो एक एरे को डिक्लेयर करो, उसमें वैल्यू असाइन करा लो यूजर से, एक एरे कम्प्लीटली बना लो। फिर आप यूजर से ये पूछो कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि कौन सी वैल्यू को सर्च करना चाहते हो, ठीक है। तो वो आपको एक नंबर देगा, उस नंबर को आपको सर्च करना, ध्यान देना वो वैल्यू सर्च कर रहा है, इंडेक्स नंबर सर्च नहीं कर रहा। तो उसने एक वैल्यू दिया, आपको सर्च करना है। अब आप क्या करोगे, फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जिसको मान लो हम लोग सर्च नाम दे देते हैं, उस सर्च को आप एरे के हर एक एलिमेंट से कंपेयर करोगे। और क्योंकि ये हमें हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना है, यानी एक लूप चलेगा, ठीक है। यानी एक फॉर लूप में हम फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे, क्योंकि कंपेयर भी करना है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि एक फॉर लूप लगेगा हमारे लिए, जिसमें हम वैल्यू को बार बार रिपीट करेंगे, और फॉर की बॉडी के अंदर हमें एक इफ की कंडीशन लगानी है, ठीक है। ये दो चीजें तो आ गई। अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूजर ने जो सर्च करने के लिए वैल्यू दिया, मान लो वो आपके उस पूरे एरे में ही नहीं है। हमारी क्लास में 1 से 60 तक के रोल नंबर बच्चे होने चाहिए थे, और यूजर 100 रोल नंबर को सर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां नहीं मिलेगा। यानी यहाँ हम एक एल्स का कंडीशन भी लगाएंगे, और वो एल्स की कंडीशन क्या कहती है कि अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि हमें अपना रिजल्ट नहीं मिला, तो ये एल्स की कंडीशन चलनी चाहिए, और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराएंगे अनसक्सेसफुल सर्च। और अगर हमें वैल्यू मिल जाती है इफ की कंडीशन से, तो हम लिखेंगे सक्सेसफुल सर्च, और वो लोकेशन जिस लोकेशन पे हमें वैल्यू मिला, लोकेशन इन द सेंस कि हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर बताना होगा कि इस लोकेशन पे आपका पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर्ड है। ये हुआ लीनियर सर्च। समझ में आया? मुझे नहीं लगता लीनियर सर्च में कोई ज्यादा दिक्कत है, पर
आपको एक सर्च एलिमेंट अपने एरे के हर एक एलिमेंट से कंपेयर करते जाना है। कंपैरिजन के लास्ट में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो आपको मिल जाएगा या तो वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अनसक्सेसफुल बोल के प्रोग्राम को क्लोज करना है, और अगर मिल जाता है तो आपको उसकी इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करके रिटर्न करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसके एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। ये सॉर्टेड वाला कंसेप्ट मैं अभी थोड़ी देर से फिर से बता रहा हूँ। आप इसको देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक एरे था, ठीक है, और हमें 4 को सर्च करना है। तो हमने क्या किया, पहले 4 को कंपेयर किया इस 5 से, तो ये दोनों मैच नहीं हुआ, इसकी कंडीशन फॉल्स है। फिर हम फॉर लूप की वजह से आई की वैल्यू बढ़ा के यहाँ आ जाएंगे, फिर इस 4 को 1 से कंपेयर करेंगे, ये भी मैच नहीं किया। फिर 4 को 3 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे, 7 से करेंगे, 6 से करेंगे। तो आप ध्यान से देखो तो इस वाले एरे में वो एलिमेंट है ही नहीं। तो ये आपको लास्टली क्या मिलेगा, एलिमेंट नॉट फाउंड, अनसक्सेसफुल सर्च। और फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 4 होता, ठीक है, यहाँ 4 होता, तो इस केस में क्या होता, हमारा ये दोनों मैचिंग ट्रू हो जाता, इसकी कंडीशन ट्रू हो जाती। ये कंडीशन ट्रू होती तो हम लिखते सक्सेसफुल सर्च और इसकी लोकेशन। तो लोकेशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लिख देते हैं एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 6 और पोजीशन नंबर 7। सेवेंथ एलिमेंट है ना, आप अगर 1 से काउंट करोगे तो पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये सातवा एलिमेंट है। इंडेक्स नंबर 6 होगा और लोग पोजीशन उसकी 7th होगी, एरे का 7th एलिमेंट है हमारा। तो हम लोग इसके सीधे एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। एल्गोरिदम अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल्गोरिदम क्या कह रहा है, हमें एक फंक्शन बनाना है लीनियर नाम का, आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हो। इस फंक्शन में हमें क्या क्या चाहिए, एक एरे, उस एरे का नाम हम लोगों ने कुछ दे दिया जैसे डेटा, ये एरे का नाम है। उस एरे में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, वो एरे का साइज। देन हमें एक वैल्यू चाहिए जिसको फाइंड आउट करना है, जिसको आइटम नाम दे दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और एक लोकेशन, ये लोकेशन हम पहले तो इंडेक्स नंबर वाइज फाइंड आउट करेंगे और जब आंसर प्रिंट करेंगे तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें उसका पोजीशन बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, हमेशा की तरह हम उस एल्गोरिदम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि इस एल्गोरिदम में हमने क्या किया है। आप यहाँ देखो लिखा है सब कुछ, इसी ये जो चीज़ें यूज़ किया उनके बारे में लिख दिया। डेटा क्या है, एक लीनियर एरे है, उसमें एन एलिमेंट्स होंगे, इसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और देखो एक कंडीशन हमने लिखा है कि लोकेशन इक्वल टू 0, अगर ये आंसर आता है तो हम कहेंगे कि हमारे एरे में एलिमेंट है ही नहीं जिसको हम सर्च करें। ये कंडीशन हमने बना दिया। आप -1 भी यूज़ कर सकते हो एक्चुअल प्रोग्रामिंग में, मैं एल्गोरिदम में 0 से यूज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन की वैल्यू अगर 0 होगी इसका मतलब हम कह रहे हैं अनसक्सेसफुल सर्च है। आप जब एक्चुअल का सी का प्रोग्राम बनाओगे तो यहाँ पे लोकेशन इक्वल टू -1 करना होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 0 से तो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है ना। तो आप एक्चुअल प्रोग्राम में -1 लिखोगे, एल्गोरिदम में हम इसको 0 से समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम देखते हैं क्या कह रहा है। छोटा सा ही प्रोग्राम है। हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए हैं, एक के नाम से और एक लोकेशन नाम का। ठीक है, लोकेशन को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, यानी हम पहले मान के चल रहे हैं कि हमारा एलिमेंट उसमें नहीं है, और 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, एक फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप के लिए कंडीशन क्या है, देखो फॉर लूप में क्या क्या लिखते हैं, तीन चीज़ें लिखते हैं। पहले तो इनिशियल कंडीशन, तो वो के पे, हम वेरिएबल हमारा के है तो के इक्वल टू 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा कंडीशनल, कंडीशन क्या है हमारा, यहाँ देखो लिखा हुआ है के लेस देन इज इक्वल टू एन, के लेस देन इज इक्वल टू एन। आगे चल के देखोगे आप तो एक जगह के प्लस 1 भी लिखा है फोर्थ नंबर स्टेप में, तो उसको भी अभी हम इंक्लूड कर ही देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा के प्लस प्लस, तो ये फॉर के तीनों चीज़ें हमने लिख दिया। ठीक है, फॉर की बॉडी के अंदर हमसे क्या कह रहा है, थर्ड नंबर स्टेप देखो ये वाला, इसमें कह रहा है इफ आइटम असाइनमेंट डेटा के। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे जो इक्वल टू है उसमें जानबूझ के अभी असाइनमेंट पढ़ा, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूँ ये असाइनमेंट नहीं है।
आप ध्यान से देखो, हम इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, कंडीशनल होगा, तो हमें यहाँ इक्वालिटी चेक करनी है। एल्गोरिदम में हम सिंगल इक्वल टू इक्वालिटी के लिए लिख सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ हमें इक्वल लिखना होगा। ठीक है, इसमें आप लोग डाउट में मत आना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ की कंडीशन और इफ के ब्रैकेट के अंदर हमें ये वाली चीज सर्च करना। ये इसमें वैल्यू आप लोग ऑलरेडी मेन में डलवा चुके हो, इंट मेन लिखोगे ना तो आइटम के अंदर वैल्यू आ चुका है। तो हम लिखेंगे आइटम डबल इक्वल टू और डेटा के, डेटा क्या है हमारे, एरे का नाम है, तो यहाँ आएगा डेटा। मैं डेटा को शॉर्ट में डी लिख देता हूँ। ठीक है, और वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, के। ये कंडीशन हमें चेक करना है। ये कंडीशन क्या कह रहा है, मान लो हमें 15 सर्च करना है, तो आइटम में क्या आएगा, 15, और के की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो D2 क्या देगा आपको, सेकेंड इंडेक्स में उस एरे में जो वैल्यू है। तो अगर ये 15 यहाँ पे भी 15 होगा तो उससे मैच हो जाएगा, तो ये इफ की कंडीशन चलेगी। और अगर ये मैचिंग नहीं हुआ तो हमें चलाना है एल्स की कंडीशन। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या लिखा, आप इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, इसके अंदर हमें लिखना होगा सर्च की कंडीशन। तो इफ के अंदर देखो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 2 नंबर 2 में लिखा था, 3 और 4 को रिपीट करना है, तो 3 और 4 वाला काम हमने इतने समय में हिस्से में कर लिया। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अब हमें 5th नंबर स्टेप में देखो, इफ लोकेशन इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट नहीं है, ये इक्वल टू है 0, देन राइट नॉट फाउंड। यानी ये हमसे कहना चाहता है कि मैं एल्स का कंडीशन लिखूं, एल्स का कंडीशन यहाँ पे हमें लिखना होगा। मैं यहाँ एल्स लिख देता हूँ, एल्स, और एल्स में हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा, और उस प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करना होगा, हमें एरर मैसेज लिखना है। तो प्रिंट क्या करेंगे, नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस 5th स्टेटमेंट में दूसरा कंडीशन क्या लिखा है, लोकेशन इज द लोकेशन ऑफ आइटम, यानी अगर वैल्यू मिल जाता है तो हमें उसका लोकेशन रिटर्न करना है, यानी वो इफ की बात कर रहा है। इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर हमें एक्चुअल का लोकेशन फाइंड आउट करके बताना है। तो प्रिंट के अंदर हम लोकेशन को रिटर्न कर देंगे, लोकेशन इन द सेंस कि हम क्या सही वैल्यू लेके चल रहे हैं, के, तो हमें के की वैल्यू प्रिंट करानी होगी। और मेन में जब ये के रिटर्न होकर के आएगा तो वहाँ मेन के अंदर एक दूसरा इफ प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और इसमें +1 करके प्रिंट करा देंगे। ये है हमारा ओवरऑल, एक ब्रॉड आइडिया देखा जाए तो ये हमें करना है लीनियर सर्च में। फिर से बता देता हूँ प्रोग्रामिंग टर्म में, हमें अपने इंडेक्स को स्टार्ट करना है। प्रोग्राम बनाओगे तो 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे n-1 जाएगा, k++ होगा। इफ की कंडीशन, इस वाले में वैल्यू आपने पहले ही ले लिया है, और डी डी जो है हमारे एरे का नाम है, इससे कंपेयर करो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको रिटर्न करना है के यानी इंडेक्स का नंबर, और ये अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको एक एरर मैसेज देना है, प्रोग्राम को क्लोज कर देना। ठीक है, आया समझ में। अब चलो इसके प्रोग्राम को बनाते हैं, इसके प्रोग्राम को बनाया जाए। हम लोग आ जाते हैं कोड ब्लॉक्स पे, कोड ब्लॉक्स पे हमें एक नए प्रोजेक्ट एम्प्टी फाइल पे गए। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब चलो मेरे साथ साथ आप लोग प्रोग्रामिंग कर भी सकते हो। हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड उसके बाद हम पहले मेन के बारे में लिख लेते हैं, इंट मेन। मेन में हमें क्या क्या करना होगा, मेन के अंदर हमें सबसे पहले कुछ डिक्लेरेशन करनी है, जैसे एरे, एरे का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने प्रोग्राम में डेटा लिया था तो डेटा ही लिख देता हूँ, इसकी साइज आप कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक हमें चाहिए वैल्यू जिसको सर्च करना है, चलो मैं उसको सर्च नाम दे देता हूँ। हम ये सारे वेरिएबल के नाम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, देन हमें एक वेरिएबल के चाहिए था सर्च करने के लिए, और एक वैल्यू चाहिए हमें लोकेशन नाम का। ठीक है, लोकेशन को हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और ये हमारे हो गए। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम और भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं।
अच्छा एक वेरिएबल ले लो साइज नाम से, क्योंकि एरे की साइज भी आपको बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। हम यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे। प्रिंट स्टेटमेंट में हमें लिखना है इंटर साइज ऑफ एरे। यूजर इस मैसेज को देखने के बाद एक साइज टाइप करेगा, वो हम स्कैन एफ की मदद से इनपुट करा लेते हैं। वैल्यू वेरिएबल का नाम था साइज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक्चुअल में वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ इंटर, जो भी यूजर ने वैल्यू दिया है, इंटर वैल्यूज कॉमा। ठीक है, अब वो यूजर पूछ रहा है इतनी वैल्यूज आप इसमें इंटर करो। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और वैल्यू। ये इतना सारा काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, एरे को बनाने के लिए। फॉर लूप में क्या करना है, वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं एक आई नाम से। आई को चलो ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि आई हम बार बार यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल आई डिक्लेयर ही कर देते हैं। आई को इनिशियलाइज कर दो 0 से, आई लेस देन साइज -1, आई प्लस प्लस। साइज -1 क्यों किया, क्योंकि साइज से तो इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा, हमें -1 करना पड़ेगा। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ की मदद से वैल्यू ले लेते हैं, कॉमा। एरे का नाम क्या था, डेटा, और इसमें वेरिएबल है हमारा आई, यहाँ पे M%। ठीक है, इतना हो गया। इस लाइन से अभी तक हम लोगों ने एरे को क्रिएट किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूजर से सर्च एलिमेंट मांगना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर दी वैल्यू टू बी सर्च। जिस वैल्यू को हमें सर्च करना है, वो हम उससे यूजर से मांग रहे हैं। तो यूजर एक वैल्यू टाइप करेगा और वो बोलेगा आपको इस वैल्यू को सर्च करना है। तो स्कैन एफ की मदद से हमने उससे वो वैल्यू ले लिया। जो सर्च करना है उसका नाम हम लोगों ने सर्च रखा था, तो हमने ये वैल्यू सर्च करा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्चुअल में ये सर्चिंग परफॉर्म करना है। तो सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, तो वही सारे काम यहाँ पे करो। फॉर लूप लगाओ, के वेरिएबल को इनिशियलाइज करो 0 से, के की वैल्यू जो है लेस देन होनी चाहिए, साइज -1 तक, और हर बार हम के को सॉरी के प्लस प्लस करेंगे। इसके अंदर हमें एक इफ के स्टेटमेंट लिखनी है और एक एल्स की स्टेटमेंट लिखती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं इफ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एच सर्च को कंपेयर करना है। देखो डबल इक्वल टू लगा है, सर्च को कंपेयर करना है किससे, डेटा के से। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाना होगा। प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, एलिमेंट फाउंड एट, कहाँ पे एलिमेंट फाइंड हुआ वो हमें लिखना है, और एक वैल्यू देना पड़ेगा। तो परसेंटेज डी लिखा, और यहाँ पे आप उसके लिए क्या लिखा था, लोकेशन। लोकेशन लिखने की जरूरत है क्या, डायरेक्टली के से ही कर लेते हैं, के +1 कर लो, वेरिएबल एक एक्स्ट्रा कम हो जाएगा हमारा, यहाँ से इस लोकेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है,
तो हमें क्या लिखना है, else, इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा और इसमें हम लिखेंगे अनसक्सेसफुल सर्च नॉट फाउंड, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। और क्योंकि जब ये else की कंडीशन नॉट फाउंड हो जाएगा, k की वैल्यू इंक्रीज हुई, हमने ये कंडीशन चूक किया, नॉट फाउंड, अच्छा ये बार बार प्रिंट हो जाएगा, है ना, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। चलो देखते हैं क्या लिखता है आंसर, बाद में इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेंगे। हमारा काम हो चुका है लगभग, रिटर्न 0 लिखा। चलो इस प्रोग्राम को पहले बिल्ड कर लेते हैं, कुछ एरर होंगे तो उसको बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे। नाम क्या है, लीनियर सर्च, लीनियर डॉट सी, ठीक है। प्रोग्राम में कोई एरर वार्निंग दिखा नहीं रहा है, चलो हम इसको रन करा के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। एंटर साइज ऑफ एरे, हम छोटे एलिमेंट से ही करते हैं, 5 लिखा एरे की साइज, एंटर 5 वैल्यूज, 10, 20, 30, 40। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 1, 2, 3, 4 वैल्यू ही लिया जबकि हमें 5 वैल्यू लेना था, ठीक है एक हम लोग कर लेंगे उसको एडजस्ट। एंटर दी वैल्यू टू बी सर्च, मान लो हम 10 को सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट जो लिखा है, एलिमेंट फाउंड एट 1, यानी एलिमेंट सर्चिंग हो गई है, लेकिन फॉर लूप जो है वो बार बार चल रहा है, इस कारण से अनसक्सेसफुल सर्च ये भी हमें लिखा हुआ आ रहा है, यानी हमें फॉर लूप को ब्रेक करना होगा, ठीक है। चलो दो तीन चीजें पता चली हमें क्या करना है, ये देखो जब एलिमेंट हमें फाउंड हो चुका तो हमें प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा, है ना, हम आगे की ओर सर्चिंग नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, ठीक है। और क्योंकि इफ के अंदर दो स्टेटमेंट है तो हमें यहाँ पे इसको क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। और एक एरर कहाँ आई थी, सर्चिंग वाले में ना, अच्छा लेस देन लिखा है तो यहाँ -1 करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इस प्रोग्राम को फिर से बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा स्पेस इसमें डाल दो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है इसको बिल्ड किया और इसको रन किया, एंटर साइज ऑफ एरे, 5 एरे का बनाते हैं, 5 वैल्यूज हमें चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, एंटर द वैल्यू टू बी सर्च, मान लो इस बार हम 30 सर्च करना चाहते हैं, तो क्या लिख रहा है, अनसक्सेसफुल सर्च नॉट फाउंड, अनसक्सेसफुल सर्च नॉट फाउंड, और एलिमेंट फाउंड एट 3, देखो एलिमेंट फाउंड हुआ है, ये एल्स वाला रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पे भी एक ब्रेक करना पड़ेगा अपने को, कहा गया। ये समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि हमें जैसे ही या तो रिजल्ट मिल जाए तो हम आगे की ओर काम करना बंद कर दें, या तो ना मिले तो भी हम प्रोग्राम को क्लोज कर दें। चलो इस प्रोग्राम को बिल्ड किया, फिर से रन करो, सेम प्रोसेस अपनाते हैं, वैल्यू टू बी सर्च 20, अनसक्सेसफुल सर्च नॉट फाउंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, 20 वैल्यू है तो एरे में और सर, यहाँ जो पे आपने हमने एल्स में कंडीशन लिखी है सर, उसको फॉर लूप के बाहर लिख दीजिए फॉर लूप के बाहर। सर। यस सर। अच्छा चलो यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो और ये वाली ब्रैकेट को हटा दें यहाँ से, क्या और सर जो एल्स लिखा है वहां पे इफ करके एक बात, वे हाँ क्या बोल रहे हो, सर, जो एल्स लिखा है ना आपने, उसको इफ करके कंडीशन डाल दो वहां। जाहिर से ये बाहर हो गया तो ये इफ की कंडीशन होगी,
हाँ सर, कंडीशन डाल दीजिए, फ्लैग फ्लैग इक्वल्स टू जीरो, फ्लैग एक वेरिएबल अपन इनिशियलाइज कर लेंगे। कोई और मेथड नहीं हो सकता? सर यही है सबसे सिंपल, फ्लैग ऊपर इनिशियलाइज कर देगी। अगर यहाँ फ्लैग, अगर इफ में फ्लैग वन आ गया तो ये इसको रन नहीं करवाएगा, अगर फ्लैग वहां जीरो रहा तो इसको रन करवा देगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि या उस केस फिर पे हमें सर यहाँ पे या तो आके ऐसा कर सकते हैं कंडीशन लिखना कि, पड़ेगा। हेलो हाँ हाँ सर, या बोलो। फिर ऐसा कर सकते हैं कि के अगर अपने लिमिट में पहुंच गया, पूरा हो गया लूप, तो सर इफ के इज इक्वल टू हाँ, मतलब ये एन भी है ना? इफ के इज ग्रेटर देन एन, नहीं यस फिर सर। यही तो है ना हाँ पॉसिबिलिटी कि अच्छा ये कंडीशन ब्रेक होगा तभी। हाँ, के ग्रेटर देन साइज, यस सर। ठीक है चलो देखते हैं। इसको बिल्ड किया, इसको रन किया, साइज ऑफ एरे 5, 10, 20, 30, 40, 50, वैल्यू टू बी सर्च 20, एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन नंबर 2। यहाँ देखना ध्यान से, ये 2 लिखा है। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि वो पहला एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये वाला है। ठीक है चलो, इस केस में तो हमारा वैल्यू था तो मिल गया। चलो हम एक बार फिर से इसको रन कराते हैं, इस बार अनसक्सेसफुल वाला सर्च करेंगे। 5 और वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं मान लो 100, तो इस केस में प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चला। सर वो इक्वल्स टू भी आएगा वहाँ, हाँ, सर इस इक्वल्स टू भी वाला आएगा, प्रोग्राम यहाँ, हाँ इक्वल्स टू इक्वल, साइज। ठीक है ठीक है, ये रन करो फिर से। 5 लिया, 10, 20, 30, 40, 50, वैल्यू टू बी सर्च मान लेते हैं 100, तब भी नहीं आ रहा। सर वहां पे आपने इनिशियलाइज साइज माइनस वन करा है, साइज माइनस वन नहीं होगा वो सर, वो स्टॉपिंग कंडीशन। हाँ, एरे की साइज वहां तक जा रही है। ठीक है ठीक है, यस सर। बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है। ये देखो आ गया अपना रिजल्ट, अनसक्सेसफुल। हमने 100 सर्च करने के लिए गए थे, 100 तो हमारे एरे में था ही नहीं, तो रिजल्ट फाइनली क्या मिला? अनसक्सेसफुल सर्च। ठीक है, प्रोग्राम आ गया समझ में? सर लोकेशन भी डालिए, हाँ, लोकेशन भी लोकेशन क्या? डालना था ना। हाँ नहीं तो अनसक्सेसफुल सर्च किया ना, तो अनसक्सेसफुल में लोकेशन क्या बताओगे आप? सक्सेसफुल वाले में और अगर लोकेशन, सक्सेसफुल हो रहा था तो उसमें भी नहीं बता रहा था ना। तो नहीं सक्सेसफुल वाले में लोकेशन बता रहा था ना। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, नहीं 5, 10, 20, 30, 40, 50, हम लोग मान लो 50 सर्च करने वाले हैं। तो देखो लिखा है एलिमेंट फाउंड एट 5, आप उस मैसेज को और अच्छे से बना सकते हो, एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 5। दो 50 हम सर्च करने वाले थे और 50 कौन सा एलिमेंट है? पांचवा एलिमेंट है, तो ये सही आंसर दे रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। प्रोग्राम में हमने क्या किया? यहाँ तक का प्रोग्राम है, स्टेटमेंट नंबर 10 तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। ये तो हमारी मजबूरी है इतना काम करना, क्यों? क्योंकि हमें एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हमारा एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट होता है, हम पहले एक वैल्यू मांगेंगे यूजर से, वो इंसर्ट करेगा यूजर, देन हमें एक लूप लगाना है। लूप इसलिए लगाना है क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना है। लूप स्टार्ट होगा 0 से, कहाँ तक जाएगा? आखिरी इंडेक्स नंबर तक। उस लूप के अंदर हमें एक कंडीशन लिखनी है, ये वाली कंडीशन, सर्च डबल इक्वल टू डेटा के। डेटा के मतलब डेटा के से आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है, और अगर वही वैल्यू यूजर सर्च करना चाहता है तो हमारा एलिमेंट फाउंड का मैसेज आना चाहिए, और एलिमेंट फाउंड का मैसेज आएगा तो हम उसकी लोकेशन इस तरह से बता सकते हैं। लोकेशन में +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम के अगर सिंपल प्रिंट करते तो वहाँ हमें इंडेक्स नंबर मिलता, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि कौन से नंबर वाले एलिमेंट पे वो फाउंड हो रहा है। और जैसे ही हमारा एलिमेंट फाउंड हुआ तो हमें इस फॉर लूप से बाहर आना पड़ेगा। फॉर लूप से बाहर आने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा ताकि के की वैल्यू इंक्रीज ना हो, हम फॉर से बाहर आ जाए। सिमिलरली अगर मान लो ये के की वैल्यू बढ़ते बढ़ते लास्ट तक चली गई और ये वाला कंडीशन एक भी जगह ट्रू नहीं हुआ, इसका क्या मतलब होगा? ये इसकी बॉडी चली ही नहीं कभी,
इस इसकी बॉडी अगर नहीं चलती है, इसका मतलब है कि हमारे एरे में वो एलिमेंट है ही नहीं। तो हमने एक कंडीशन ये लिखा, और उस केस में हम बोलेंगे अनसक्सेसफुल रिजल्ट नॉट फाउंड। बस इतना ही करना था। अब मैंने इस प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम में सब कुछ लिख दिया है। आप इसको एज ए फंक्शन बना सकते हो। ये वाला पूरा स्टेटमेंट आप डाल दो फंक्शन के अंदर, ये स्टेटमेंट आप डाल दो फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर लेना। फंक्शन की बॉडी आप यहाँ पे बना सकते हो अलग से। ठीक है, मेरे समझ से ये आप लोगों से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये, लीनियर सर्च आसान मेथड है क्या? देखो, अगर हमारे पास 5, 10, 20, 100 एलिमेंट तक रहें तो आप सर्च करने के लिए कर सकते हो। जैसे हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 5 वैल्यू ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, कोई सी वैल्यू लिया। अब देखो, ये जो वैल्यू हम सर्च करने वाले हैं वो तो कोई सी वैल्यू हो सकती है। मान लो हम इस लास्ट वाले नंबर को सर्च करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 50। तो ये प्रोग्राम करेगा क्या, पहले इस 50 को देखो, यहाँ से ये इसकी स्टेटमेंट में सर्च के अंदर 50 जा चुका है। डेटा के की वैल्यू 0 है, यानी हमें मिला क्या, पहले वो मिला डेटा 0 से 10, यानी हमने पहले चेक किया 50 को 10 से, कंडीशन फॉल्स है, के की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1। हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस 20 को मैच करा 50 से। सिमिलरली अगली राउंड में 30 को मैच किया, फिर 40 को मैच किया, और लास्ट स्टेप में हमने 50 को मैच किया। तो आपको इससे ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही एरे की साइज बड़ी हो जाएगी, जैसे हम लोग 100 एलिमेंट ले लें, 200 एलिमेंट ले लो, 1000 एलिमेंट ले लें, और सबसे आखिरी वाले एलिमेंट को अगर सर्च करना हुआ, तो अगर हमने 100 एलिमेंट का एरे बनाया है और आखिरी एलिमेंट जो है वो मैच कर रहा है हमारे सर्च एलिमेंट से, तो 99 टाइम्स हमने सर्चिंग तो किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, है ना? ये वाली इफ की कंडीशन 99 टाइम्स फॉल्स रही होगी। तो जैसे ही हमारे एरे की साइज बड़ी होते जाएगी, उस केस में हमारा लीनियर सर्च इफिशियंट मेथड नहीं है। सोचो, आप अगर 1 लाख बच्चों का डेटा आपके पास हो और आपको वो बच्चा सबसे आखिरी नंबर पे है, लीनियर सर्च ये कहता है कि पहले लोकेशन से लेके आखिरी लोकेशन तक सभी से कंपेयर करो, तो यानी आप लगभग 99,000 टाइम्स फेल सर्च करोगे और सिर्फ 1 टाइम सर्च करोगे, वो भी सबसे आखिरी वाला। तो ये मेथड जैसे ही साइज बड़ी होती जाएगी, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी पे आना है, जैसे ही साइज बड़ी होती जाएगी तो ये बहुत ही बेकार रिजल्ट देगा। इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बेस्ट केस क्या होता कि ये 50 जो है पहले लोकेशन पे ही होता और हम मिला ली फर्स्ट कंपैरिजन में ही, एक ही कंपैरिजन में आंसर मिल जाता हमें। इसका वर्स्ट केस क्या होगा, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो सबसे आखिरी एलिमेंट हो, और यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें ये सारे सर्चिंग करने होंगे। ठीक है, तो लीनियर सर्च ये कहता है कि जैसे ही एन की साइज बड़ी होती जा रही है, एन मतलब जितने एलिमेंट का एरे है, एन की साइज जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप इससे यहाँ से निकाल सकते हो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। फिर अगर अब मैं यहाँ पे बोलूँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है, सॉरी, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जैसे जैसे एन की साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये एल्गोरिदम आपको वर्स्ट होता जाएगा। आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होगी, साइज मान लो एन है तो ये हो जाएगा टोटल n+1 टाइम्स, एन टाइम्स ट्रू के लिए और 1 टाइम फॉल्स के लिए। ये कंडीशन कितनी बार चलेगी, जितनी बार ये ट्रू है, यानी ये वाला भी एन टाइम्स है। ये दोनों स्टेटमेंट कितने बार चलेंगे, जितनी बार ये चलेगा, यानी ये चल रहा है एन टाइम्स, यानी ये भी चलेगा एन टाइम्स। तो आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालो, मैं यहाँ पे साइड में अगर लिखने की कोशिश करूँ, तो ये है n+1। उसके बाद वाला स्टेटमेंट है वो है n
उसके बाद वाले दो स्टेटमेंट भी एन और एन ही हैं। तो आप इसको ओवरऑल सम करोगे तो क्या मिलेगा, एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, 4n+1। ठीक है, क्या मिला आपको, 4n+1। हम इसको ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से ये भी ड्रॉप कर देंगे तो हमें फाइनली मिलेगा सिर्फ एन, यानी कि लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन। इसका डिमेरिट क्या है, एन की साइज बढ़ती जाएगी तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। वर्स्ट केस में ये बहुत ही गंदा परफॉर्म करता है। तो इसका मॉडिफिकेशन जो है, या इसका जो बेस्ट केस हम बोल सकते हैं, या इसका जो इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं, वो है इसके बाद वाला सर्च एल्गोरिदम, जिसका नाम है बाइनरी सर्च। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको फ्रेश माइंड से अगले दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग घर जाओगे, मतलब घर पे ही हो, तो आज आप लोग बाइनरी सर्च को पढ़ो, उसके बारे में समझने की कोशिश करो, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व करने हैं। तो कल जब क्लास लगेगी तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठना, क्योंकि आपसे मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। कोशिश करना लैपटॉप से आप लोग ऑनलाइन हो, क्योंकि मोबाइल में दिक्कत आती है। ठीक है, आज का समझ में आया लीनियर सर्च, बहुत ही सिंपल है, हमें बस ये काम करना था। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बताओ, वैसे आप लोग इसके ही एल्गोरिदम भी देख सकते हो, जो यहाँ लिखा है एल्गोरिदम में बिल्कुल वही काम हमने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, बस प्रोग्रामिंग के टर्म्स को